सामने पहाड़, राइट साइड पे पहाड़, लेफ्ट साइड पे पहाड़, आहा हा। फाइनली ये रहा मेरे सामने वाटरफॉल। याहू, उतर गए हैं नीचे। तो ये देखिए, ये मैंने कल लगाया नया वाला, जो पुराना वाला था वो मैंने हटा दिया। तो अभी लुक्स कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अभी फिलहाल कुछ ऐसा दिखता है हमारे जाने मन। तो आगे निकल के आए थे इधर होटल में, चाय वाय पिया, अभी निकलेंगे यहाँ से और जाएंगे। पहले तो रिफ्यूलिंग करना है एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं बाबूजी नगर एनआरएल पेट्रोल पंप, यहाँ पर रिफ्यूलिंग करते हैं। तो हो गया है रिफ्यूलिंग कंप्लीट, अभी ऑफिशियली हमारा राइड स्टार्ट हो गया, उसका जर्नी शुरू कर दिया हम लोग। तो हेलो नाइस का मैसेज मैंने कहना, वेलकम बैक टू माय चैनल एच डी ब्लॉग। आप लोग कैसे, होप सभी अच्छे होंगे। तो सीन ऐसा है कि आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जो है एक वाटरफॉल, और वो वाटरफॉल है हाटीगाँव में। हाटीगाँव ये गुवाहाटी वाला हाटीगाँव नहीं, हमारे ग्वालपर में भी एक हाटीगाँव है। अगर आप लोगों ने मेरे जो लास्ट बराली वाले वीडियो देखे हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जगह कौन सा है। जिस रोड से बराली जाते हैं तो उसी रोड पे ये वाटरफॉल मिलता है। तो हम लोग पहले तो बराली ही जाएंगे, मैंने तो पहले गया था, लेकिन मेरे साथ जो जा रहे हैं हुजैफा, तो वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इसीलिए पहले बराली में जाऊँगा एंड उसके वापस आते समय हम लोग वाटरफॉल में घुसेंगे। तो बराली का तो ब्लॉग मैंने बना लिया, इसलिए तो बराली का कुछ क्लिप शायद भी डालूंगा या अभी नहीं डालूंगा। तो लेकिन जो एम है वो वाटरफॉल दिखाने का है आज आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा वाटरफॉल है। और आज संडे है तो इसीलिए प्लान किया राइड ये, हो अच्छा लगेगा। मैं पहली बार जा रहा हूँ उस वाटरफॉल में, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे बराली वाले वीडियो नहीं देखा है तो इधर आई कार्ड पे आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बराली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है जो असम मेघालय बॉर्डर में पड़ता है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सोनमारी में, और आज जी रोड दिशे माने आजीओ गरम एकदम माने फटाई दीब, हमार खुर्ज मामा आज जलाए पूरे हेक कर पेलब। अभी कुछ 3-4 दिनों से यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी है हमारे ग्वालपारा में, मतलब क्या ही बताऊँ। और ये है हमारे सोनमारी काली मंदिर। अभी सिर्फ दिन का शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी से गर्मी मतलब महसूस होना शुरू हो गया। और गुवाहाटी 130 किलोमीटर, बोएगांव 52 किलोमीटर, पहुँच चुके हम लोग सोनमारी अभी। सो फाइनली वी आर हाईवे नाउ, ये है NH17, पहले 37 था, अभी हो गया है 17। और ये जो लेफ्ट साइड पे खाली खाली देख रहे हैं, क्योंकि ये 4 लाइन होने वाला है, अभी जो सिंगल रोड है तो ये 4-way वाला हाईवे होने वाला है। तो अभी काम चालू है, इधर भी ब्रिज भी बना रहे हैं, ये कब तक होगा पता नहीं, शायद से तो 4-5 साल लग ही जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए आगिया में, ये इधर आगिया टाउन राइट साइड पे। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही मैं अपडेट देता रहता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कब ब्लॉग आएगा, कौन सा ब्लॉग आएगा। शायद से इस वाले ब्लॉग में भी आप लोग को थोड़ा नॉइस मिलेगा, क्योंकि मेरा जो माइक है वो अभी तक नहीं पहुंचा है मेरे पास, क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट वाले हैं हमारे, ये लोग बहुत देर करते हैं मेरे भाई साहब, 6-7 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे लगा देते हैं अगर कुछ चीज़ हम लोग ऑर्डर करते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई फ्लिपकार्ट वाले भाई अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि इतना देर काहे लगता है भाई साहब, थोड़ा जल्दी जल्दी भेजने की कोशिश करिए आप लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बोलबोला, और इसी बोलबोला से राइट लेना है हमको। ये है बोलबोला मार्केट, और अभी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के कुछ रोड 20-20 में अच्छे हैं और 20-20 में बहुत ही ज़्यादा बुरे। गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट जी, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग ऐसे जहाँ पर कुछ टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर कुछ प्लेस है जहाँ पर लोग देखने जाते हैं, वहाँ के जो रोड्स है वो आप लोग आराम से ठीक कर दीजिए, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए उनको तकलीफ ना हो। मैं सिर्फ इस जगह के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, असम के जितने भी जगह है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ तक जाने के लिए जो भी रोड आते हैं वो सब लोग आप लोग ठीक करने की कोशिश करिए,
हम जब आए थे तब ये रोड ऐसे ही पड़ा था, काम भी चालू नहीं हुआ था। अभी ये काम चालू हो गया तो देखने में अच्छा लगा। धन्यवाद। ऐसे ही सभी जितने भी रास्ते हैं जो बुरे हैं वो सब ठीक कर दीजिए आप लोग, ताकि हमको तकलीफ ना हो। ये देखिए, ये हिल एरिया शुरू हो गया है। अभी थोड़े आगे जाने के बाद आप लोग को सिर्फ हिल ही हिल दिखेगा, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल मेघालय के पास पहुंचने वाले हैं। तो अभी जो नज़ारे मिलने वाले हैं आगे में जाके, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई साहब। जब लास्ट टाइम आया था तो मतलब दिल खुश हो गया था हम लोगों का, कहाँ पहुँच गए हम लोग। ये देखिए भाई साहब नज़ारे देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत वाला नज़ारा है मेरे सामने। अभी सामने पहाड़, राइट साइड पे पहाड़, लेफ्ट साइड पे पहाड़, आहा हा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हाथीगांव में, ये वे टू पिकनिक। तो हाथीगांव के इसी कहीं रोड से हमको वाटरफॉल में जाना है, लेकिन अभी वाटरफॉल का रोड मुझे नहीं पता, अभी लोगों को पूछना होगा। लेकिन वो हम लोग जब वापस आएंगे तब पूछेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पहले तो जाएंगे बराली में, और वहाँ पर बराली में थोड़ा रुक के वहाँ से जब वापस आएंगे तब वाटरफॉल में जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा व्यू शुरू हो गया है अभी फ़िलहाल, देख लीजिए आप लोग कितना ही खूबसूरत बड़ा व्यू है। मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के पीछे, सबसे दूर अकेले रहने। तो आप लोगों से मिलूंगा मैं जब बराली से वापस आ जाऊंगा, जब वाटरफॉल की तरफ जाऊंगा तब। तो मिलते हैं थोड़े देर बाद आप लोगों से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बराली पे, और हम लोग का हुलिया देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग का कैसा फटा है आज। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, हमने पानी नहीं लाया, यहाँ पर एक भी लोग नहीं है। और मतलब इतना गर्मी आज, आते ही मतलब मैंने पूरा शर्ट वर्ट सब निकाल लिए, इतना गर्मी लगा है मुझे। और हम लोगों ने पानी लाया, गला तो भाई साहब ऐसा सूखा हुआ है कि मतलब ऐसा लग रहा है मतलब कुछ भी पानी मिल जाए वो पी जाएंगे अभी, ऐसा हो रहा है अभी हालत। और सामने जो व्यू है, ऐसे तो आप लोग मैंने ब्लॉग बनाया है लेकिन आप लोग को बस एक ये व्यू दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद आप लोग को सीधा मिलेंगे हम लोग जो वाटरफॉल जाने का रोड है वहां पर आप लोग को मिलेंगे। तो अभी आप लोग थोड़ा एक दो व्यू देख लीजिए बराली का। तो गाइस हम लोग उतर गए हैं बराली से, बराली के जो हिल्स थे इससे उतर के नीचे आ गए हम लोग। अभी हाथीगांव से थोड़ा आगे आया, तो अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स वाटरफॉल, जहाँ पर जाने का प्लान है जो आप लोग को दिखाना है। तो वाटरफॉल जो है ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक पतली सी रोड जा रहे बोल रहे, हाँ शायद यही वाला रोड है, इसी वाटरफॉल में जाएंगे हम लोग। तो अभी बहुत गर्मी लग रहा है भाई साहब, क्योंकि वहाँ से मतलब जैसे तैसे हम लोग नीचे उतरे, और भाई साहब जो पानी पानी का जो मतलब आज हुआ हमारे साथ वो हम लोग मतलब ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे भाई। इतना मतलब पानी हमारे लाइफ में, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमको आज पता चल गया भाई साहब। वो 7:30 से 12 बजे तक हम लोगों ने पानी नहीं पिया था, और ऐसे ही बिना पानी लिए हम लोग ऊपर चले गए। और ऊपर जाने के बाद जो मतलब फील हुआ हमको, क्या ही बोलूँ। ऊपर से ये जो गर्मी है मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है, कितना डिग्री सेल्सियस मार रहा है वो पता नहीं, देखा नहीं मैंने, लेकिन लगता तो रहा है 36-37 डिग्री सेल्सियस मार रहा है शायद। नीचे आए, उधर होटल में रुक के कुछ खाया भी हम लोगों ने, पानी वानी भी पिया। हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इसी रोड से जाते हैं, लेकिन अभी दूर कितना है वो हमको पता नहीं। अभी थोड़ा आगे जाने के बाद और एक बार फिर से पूछना पड़ेगा। सारा छोड़ना कुंडी सीधा ना, अच्छा अच्छा ठीक है। तो जो वाटरफॉल है वो सामने ही है, इन लोगों ने बताया। सामने व्यू देख रहे हैं भाई साहब, कितना सुंदर,
इतने सुंदर नज़ारे। आज जो भी हो लेकिन नज़ारे जो मिल रहे हैं हम लोगों को वो मतलब दिल खुश कर दे रहे। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर अब हो जाएगा ऑफ रोडिंग वाला सीन। मैं भी आते हो बोने की देखते शायद से पहुंच गए, क्योंकि सभी बाइक और गाड़ी इधर ही पार्क है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, अभी जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, इधर ही होगा सामने। ये रहा मेरे सामने वाटरफॉल, इसी के लिए इतने दूर इधर से चढ़ाई करके आ गए हम लोग ऊपर। हाँ, देख के कितना सुकून मिल रहा है, अभी आप लोगों को बयान नहीं कर सकता मैं। तो अभी फटाफट से नीचे उतरते हैं और सीधा कूदेंगे पानी में, इतना गर्मी लगा है रुकने का मन बिल्कुल भी नहीं है। सीधा नीचे उतरेंगे और सीधा पानी में चले जाएंगे। अभी चलो अभी उतरते हैं नीचे। याहू, उतर गए हैं नीचे। गाइस अभी एकदम नहा धो के फ्रेश हो गए और अभी एकदम फ्रेश फील हो रहा है। सो अभी घर जाएंगे वापस, थोड़ा बहुत मतलब थकान अभी भी महसूस है, भूख भी लगा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब हैवी नाश्ता नहीं किया हम लोगों ने लंच पे, बस रोटी खाए थे दो, तो अभी थोड़ा भूख भी लग रहा है। घर में जल्दी जल्दी जाएंगे और खाएंगे। तो फिलहाल यही था आज का ब्लॉग में। ये जो वाटरफॉल है यहाँ पर, यह हाथीगांव का वाटरफॉल है यहाँ पर, ऐसे भी बहुत सारे ब्लॉग है लेकिन मैं पहली बार आया और बहुत ही सुंदर है। तो वैसे भी हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, हम तो ऐसे भी बहुत थकान महसूस होके आए थे इधर और इतना गर्मी लग रहा था, अभी एकदम फ्रेश फील हो गया, तो मज़ा आ रहा है। तो यही था आज के ब्लॉग में। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए ब्लॉग कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू ऑन माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं बहुत ज्यादा, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टेक केयर, थिंक पॉजिटिव, नेक्स्ट टाइम बाय।